सन 1799 में यह पता चला कि तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में ही क्रिया करते हैं। पहले यह निश्चित अनुपात भार के अनुसार ही पहचाना गया था। फिर वैज्ञानिक गैलुसाक ने अपने गैसों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि निश्चित ताप और दाब पर गैसें सदैव आयतन के अनुसार सरल अनुपात में ही क्रिया करती हैं और इसे एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में तत्वों द्वारा भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में क्रिया होने की व्याख्या की, लेकिन जो नियम गैलुसाक ने व्यक्त किया था उसका क्या कारण है, इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। गैलुसाक ने जब अपनी खोज के संबंध में अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया, तब वैज्ञानिक बर्जिलियस ने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया। उनके अनुसार किसी भी गैस के दिए गए आयतन में कणों की संख्या समान होती है। इसका आशय है कि एक लीटर हाइड्रोजन में कणों की संख्या उतनी ही है जितनी कि क्लोरीन के एक लीटर में। जब एक लीटर हाइड्रोजन एक लीटर क्लोरीन से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। बर्जिलियस के अनुसार इन दोनों गैसों के एक एक लीटर पूरी तरह से इसलिए क्रिया कर रहे थे क्योंकि इन दोनों में बराबर बराबर संख्या में परमाणु थे। इसी दौरान विभिन्न तत्वों के सापेक्षिक परमाणु भार की भी गणना की गई और इस तरह परमाणु भार के आधार पर अणु भार की गणना की गई। अब गैसों के घनत्व और भार की गणना करना संभव हो गया। जब अलग अलग गैसों के अणु या परमाणु को भार के अनुसार लिया गया और उनको एक निश्चित दाब और ताप पर रखा गया, तब यह पाया गया कि यह भी एक निश्चित आयतन था। जैसे कि पहला 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन 22.4 लीटर था। दूसरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर 36.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड का आयतन भी 22.4 लीटर था। तीसरा समान ताप व दाब पर यदि 18 ग्राम भाप ली गई तब उसका भी आयतन 22.4 लीटर था। चौथा इसी तरह से जब किसी गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर सापेक्षिक अणुभार ग्राम में लिया गया तब उसका भी आयतन 22.4 लीटर प्राप्त हुआ। विभिन्न गणनाओं द्वारा बाद में यह पता चला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर आयतन में कणों की संख्या 6.022 गुणित 10^23 होती है। यह बर्जिलियस के कथन के अनुसार था। 6.022 गुणित 10^23 को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं और इसे एन शून्य से दर्शाया जाता है। उपर्युक्त गणनाओं को यदि हम द्रव तथा ठोस पदार्थों के लिए करें तो यह कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुभार और ग्राम परमाणु भार के कणों की संख्या 6.022 गुणित 10^23 होगी। पदार्थ का अणुभार व परमाणु भार ग्राम में लेते हैं। सन 1896 में वैज्ञानिक विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने अवोगाद्रो संख्या के लिए मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ढेर है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणुओं एवं अणुओं की वृहद संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। एक मोल बराबर 6.022 गुणित 10^23 अवोगाद्रो संख्या
एन शून्य थी। मोल या अवोगाड्रो संख्या की अवधारणा हमें यह बताती है कि किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में कणों की संख्या कितनी होती है। जैसे 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल सोडियम परमाणु है और कणों की संख्या 6.022×10^23 है। यदि 46 ग्राम सोडियम है तो इसका तात्पर्य है कि सोडियम परमाणु के 2 मोल होंगे और कणों की संख्या 12.044×10^23 होगी।